आपको पता है साइंस का कि हमारे अंदर रोज सेल बन रहे हैं। आपका अगर उम्र पूछा जाए तो वो उम्र नहीं जो आज आपकी है, कितनी बार सेल ने जन्म लिया, कितनी बार सेल में पुराने सेल मरते हैं और नए सेल जन्म होते हैं। अब देखिए कैंसर सेल की बात करते हैं, किसी को कैंसर है, लंग में कैंसर, वो कैंसर सेल इसलिए है क्योंकि वो स्माइलिंग नहीं है। पर ये सेल का भी एक ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया हुआ है जो हमारे रीजनरेटर शिवा है। क्या करते हैं पुराने सेल, क्या होते हैं जो हमारे शिवा होते हैं और रीजनरेटर शिवा होते हैं, पुराने सेल को मरते हैं फिर उसको रीजनरेट करते हैं। रीजनरेटेड करने के बाद फिर से नया सेल आता भी है लंग के अंदर। कैंसर सेल वो भी उसकी सबकी उम्र होती है ना, वो मरता है और मरने के बाद नए सेल छोटा सा बूंद बेबी जैसा वो आता है ऐसे करके। लेकिन वो जो बूंद वाला सेल आता है जन्म लेता है, लेकिन आपके अंदर कैंसर की कॉन्शियसनेस इतनी है, आपके अड़ोस पड़ोस में दुख और बीमारी का माइंड और कॉन्शियसनेस इतनी है, ये जो हेल्दी सेल आया था ये भी क्या हो जाता है, सब आपके सत्संग में, आपकी संगत में, आपका माइंड का स्टेटस की संगत में ये सेल भी क्या बन जाता है, जो कैंसर के बीच में एक रोशनी की तरह आया, ये भी क्या हो जाता है, उम्लाह जाता है। क्योंकि आप बोलते हो मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, कैंसर है, मैं बीमार हूँ, हाय 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 बीमार हूँ बीमार हूँ। तो वो क्या करेगा, हर सेल का माइंड भी होता है। आप ये सोचते हो कि ये माइंड है मास्टर माइंड, ये तो सिर्फ मास्टर माइंड एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन हर सेल जो आपके अंदर हर सेल है उसका माइंड होता है, सोल माइंड बॉडी एंड लाइफ, हर सेल का माइंड होता है। और अगर ये सेल का माइंड, अगर ये सेल का माइंड मास्टर माइंड के सत्संग में आ गया, मास्टर माइंड अगर स्माइलिंग नहीं है तो ये जो छोटा सा जो माइंड है वो क्या हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, कैंसर माइंड। इसीलिए स्माइल में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज नए सेल जन्म हो रहे हैं। आपके पास उम्मीद है कि आप ठीक हो सकते हो, सिर्फ आपने उसको क्या देना है, जो छोटा छोटा बच्चा सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। हम बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं ना, साल में एक बार आता है, आपका आता है, लेकिन हमारा सेल तो रोज एक जन्म, रोज जन्म ले रहा है, पर हम उसको बोलते हैं मैं दुखी हूँ, मुझे तकलीफ है, मुझे परेशानी है, मुझे बीमारी है। तो रोज ही नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये भी क्या होता है, जो माता जी ने बोला, जो आपने बोला, जो मास्टर माइंड ने बोला वही ठीक है। आप कहते हैं मैं कैंसर हूँ, तो जो नया सेल था जिसको कैंसर नहीं था वो भी क्या बोलने लगता है, भाषा क्या भाषा बोलने लगता है, मुझे भी एज अ रिजल्ट कैंसर कभी नहीं जाता, एज अ रिजल्ट डायबिटीज कभी नहीं जाती, एज अ रिजल्ट अस्थमा कभी नहीं जाता। हर सेल का माइंड होता है और वो हर सेल का माइंड इतना पावरफुल है, जो आपका मास्टर माइंड सोच रहा होता है उसकी वो चेंज। आप लीडर हैं, आप झंडा लेके खड़े हैं, अगर आप स्माइल झंडा लेके मार्च पास्ट कर रहे हैं